जय श्री राधा कृष्ण। एक दिन की बात बताती हूँ। अभी कुछ दिन पहले धैर्य रास्ते से जा रहा था, उसने देखा कूड़ा घर के पास कुछ गौवे खड़ी हुई थी और कूड़ा खा रही थी। उसे बहुत दुख हुआ। उसने घर आके मुझसे पूछा और कहा, मम्मी गौ माता इतनी पूजनीय है, सभी देवी देवताओं का उसमें वास है, फिर वो कूड़ा क्यों खा रही थी? क्या ये प्रश्न कभी आपके मन में भी आया है? तो आज इस वीडियो में मैं इसी प्रश्न का उत्तर देती हूँ। देखो, हम सबको पता है हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया जाता है, इसलिए लोग इन्हें गौ माता कहते हैं। पुराणों के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। संसार में इनका जन्म मानव जाति के कल्याण के लिए हुआ है। संसार का सबसे बड़ा दान, सबसे पहले तो हम कन्यादान को मानते हैं, फिर गौदान को कहते हैं। गौदान की वजह से ही वैतरणी नदी को पार किया जा सकता है। वैतरणी नदी, जब इंसान यम लोक की तरफ जा रहा होता है उस समय वैतरणी नदी आती है और उसको सिर्फ गौदान से ही पूरा पार किया जा सकता है। जब घर की रसोई बनती है तो सबसे पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती है ना। लेकिन इन सब बातों के बावजूद ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से गौ माता को लोगों को जूठन खाना पड़ रहा है, कूड़ा खाना पड़ रहा है? इनके साथ इतना बुरा बर्ताव आखिर क्यों होता है? इसके पीछे एक कहानी है, आज मैं वो बताती हूँ। हुआ क्या, बहुत समय पहले की बात है। एक बार माता पार्वती भोलेनाथ के साथ समुद्र के किनारे विहार करने के लिए गई। थोड़ी देर दोनों बैठकर आपस में बातें कर रहे थे कि अचानक भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, देवी अभी कुछ काम से मैं जा रहा हूँ, आप यहीं पर मेरा इंतजार करिए, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। अब इतना कह के भोलेनाथ वहां से चले गए। माता पार्वती वहीं बैठे बैठे भोलेनाथ का इंतजार कर रही थी और उनको बैठे बैठे शाम हो गई, लेकिन भोलेनाथ वापस नहीं आए। उस दिन तीज व्रत भी था। माता पार्वती ने वहीं समुद्र के किनारे रेत से शिवलिंग बनाया और अगल बगल से पुष्पों का कुछ इंतजाम किया और अपने तीज का व्रत जो रखा हुआ था उस पे भोलेनाथ की बढ़िया पूजा की। भोलेनाथ वहां पर सूक्ष्म रूप से आकर ये सभी देख रहे थे, क्योंकि देखो जहां पर भी शिवलिंग है वहां पर भोलेनाथ हर चीज देखते ही देखते हैं। अब सुबह माता पार्वती ने रेत से बने शिवलिंग तथा पुष्पों को समुद्र में विसर्जित कर दिया। थोड़ी देर के बाद भोलेनाथ वहां पर प्रकट हो गए और माता पार्वती ने उनसे पूछा कि प्रभु बहुत देर कर दी, तो भोलेनाथ ने बोला, हाँ कुछ काम हो गया था। इसके बाद भोलेनाथ ने माता पार्वती से पूछा, देवी कल तीज का व्रत था, आपने कल मेरी पूजा नहीं की। तो पार्वती जी ने कहा, नहीं भोलेनाथ, कल मैंने तीज का व्रत भी रखा था और पूजा भी की थी। तो भोलेनाथ ने कहा कि आपने पूजा कैसे की, यहाँ पर तो ना तो शिवलिंग है और ना ही चढ़ाए हुए पुष्प है, फिर मैं कैसे मान लूं कि कल आपने मेरी पूजा की थी? वही समुद्र के किनारे एक गाय खड़ी हुई थी। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, ये गाय मेरी पूजा की साक्षी है, आप इससे पूछ लीजिए। फिर उस गाय से भोलेनाथ ने पूछा, क्या पार्वती ने तीज पर मेरी पूजा की थी? अब गाय ने यूं ही सर हिलाकर मना कर दिया। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, देखा आप मेरे से झूठ बोल रही हैं। भगवान शिव के सामने स्वयं को बिना किसी कारण झूठा साबित होता देखकर माता पार्वती जी से ये सहन नहीं हुआ। उन्होंने उसी समय गाय को शाप दिया और कहा, तू दिव्य जन्मा है, जगत कल्याण के लिए तू प्रकट हुई है, इसलिए जनहित के लिए जो तेरे पुण्य गुण है वो यथावत रहेंगे, पर जिस मुख से तुमने ये झूठी गवाही दी है उसे दंड भुगतना ही पड़ेगा। झूठ बोलने के कारण अब झूठन ही तेरा आहार होगा। और ये कह के माता पार्वती वहां से अदृश्य हो गई। है ना अद्भुत? अब आपको भी पता चल गया होगा क्यों गौ माता कूड़ा खाती हैं या झूठा खाती हैं। बहुत ही अद्भुत है और हमारे पुराणों में इस तरह की और भी बहुत सी कहानियां हैं। इस तरह की और पौराणिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।